हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी का ये बिल्कुल न्यू नाश्ता। ये नाश्ता बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स, घर पर एक बार अगर ये नाश्ते को आप बना कर खाएंगे तो आप इस नाश्ते को बार बार बना कर खाएंगे। ये नाश्ता बनाना बिल्कुल आसान है और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें और खाएं। और आपको ये नाश्ता कैसे लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और आज की ये मज़ेदार नाश्ता बनाना सीखें। तो फ्रेंड्स, आपके ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी सूजी। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट करके लें। और एक कटोरी सूजी के लिए यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी दही। अगर आपके दही खट्टी है तो आप आधी कटोरी भी ले सकते हैं, अगर खट्टी नहीं है तो आप पूरा एक कटोरी दही डाल सकते हैं। और अच्छे से दही और सूजी को मिक्स करेंगे। अभी हम लेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक को भी अच्छे से सूजी के साथ मिक्स करेंगे। ये काफ़ी गाढ़ा है, अभी हम और 2-3 चम्मच पानी लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इनको ढककर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 2 उबले हुए आलू और उनको अच्छे से मैश करेंगे। तो यहाँ पे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, तो अभी हम इनको साइड में रखते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुकी है। अभी हम लेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग साथ साथ यहाँ पे लेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और यहाँ पे लेंगे बारीक कटी हुई प्याज। और अच्छे से इनको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी हम लेंगे सूखे मसाला, ये घर का नॉर्मल मसाला है। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1/2 छोटी चम्मच। और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद अभी हम डालेंगे मटर। मटर के साथ साथ यहाँ पे लेंगे कद्दूकस किए हुए गाजर। और 2-3 मिनट अच्छे से मसाले के साथ गाजर और मटर को पकाने के बाद यहाँ पे हम लेंगे मैश किए हुए आलू और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये 2-3 मिनट में स्टफिंग बनकर तैयार हो जाती हैं। अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से हरे धनिया बारीक काट कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे स्टफिंग तैयार है। चलते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे हमारी सूजी फूलते हुए 15 से 20 मिनट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इनको दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अभी अच्छे से फूल चुकी हैं। अभी हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बेटर इसी तरह ही होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे खाने वाला सोडा। तो यहाँ पे लेंगे 1 छोटी चम्मच खाने वाला सोडा और थोड़ा सा पानी डालेंगे सोडा के ऊपर और अच्छे से सूजी में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ और यहाँ पे हमारी बैटर बिल्कुल तैयार है। तो आइए अभी हम यहाँ पे एक कढ़ाई में, मैंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रखा था, पानी यहाँ पे हल्का गर्म हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे एक स्टैंड रखेंगे और ढककर इसको गर्म होने के लिए रख देंगे।
दो तीन मिनट, तो तब तक यहाँ पे हम टिक्की तैयार करेंगे। ये जो आलू का हम स्टफिंग बना कर रखे थे, इसको टिक्की की तरह इसी तरह हम बना कर तैयार करेंगे। तो इसी तरह हम सारे, मैं यहाँ पे चार टिक्की बना ली हूँ और यहाँ पे चार कटोरी भी ले ली हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने कटोरी में पहले ही ऑयल लगा दिया था और अभी हम चारों कटोरी में एक डेढ़ चम्मच बैटर डालेंगे। ये बड़ी चम्मच है, इसी तरह एक से डेढ़ चम्मच करके सारे कटोरियाँ में हम निकाल लेंगे। अभी मैं तीन कटोरी में ली हूँ क्योंकि हमारी कढ़ाई में तीन कटोरी आएंगे, तो यहाँ पे मैंने तीन कटोरी में ली हूँ। और यहाँ पे पानी में उबाल भी आ चुकी हैं, अच्छे से पानी गर्म हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं भाप बनने लगी है। अभी हम ये तीनों कटोरियाँ कढ़ाई के अंदर रखेंगे स्टैंड के ऊपर, और साथ साथ यहाँ पे ये जो हम आलू का टिक्की बना कर रखे थे इनको भी बीच में इसी तरह रख देंगे सूजी के ऊपर। और अभी हम ढककर इनको दो से तीन मिनट तक भाप लगा लेंगे। तो यहाँ पे दो तीन मिनट हो चुकी हैं और अभी हम ढक्कन हटाकर दोबारा और एक एक चम्मच हम बैटर इसके ऊपर डालेंगे। आलू को अच्छे से ढक लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कटोरी में मैंने अच्छे से बैटर आलू के ऊपर डाल दिया हूँ और अच्छे से फैला लिया हूँ। दोबारा हम ढककर तीन से चार मिनट तक स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल छः सात मिनट हो चुकी हैं, अभी हम चेक करेंगे ये अच्छे से पका है कि नहीं। आप देख सकते हैं चाकू में बिल्कुल भी बैटर नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इनको अभी हम गैस बंद करेंगे और ठंडा होने के लिए दो मिनट छोड़ देंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे हल्का ठंडा हो चुकी हैं, तो अभी हम डालेंगे इसके ऊपर हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला, और यहाँ पे बारीक कटी हुई हरा धनिया डालेंगे ऊपर में। और यहाँ पे हमारे नाश्ता बिल्कुल तैयार है बनकर, आप देख सकते हैं। और ये अच्छे से ठंडा हो चुकी है। अभी हम एक चम्मच की मदद से इनको निकाल लेंगे इसी तरह, ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुकी है और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी हैं। और बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये आप सुबह या शाम को आप चाय के साथ नाश्ते में बना सकते हैं। और ये आप एक बार बनाएंगे तो आप इस नाश्ते को हर संडे को बनाकर खाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार हो जाती है और बनाना बिल्कुल ईजी है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको कट करके देखेंगे। ये देखिए अंदर का टेक्सचर कितना बढ़िया है, जो हम आलू का स्टफिंग रखे थे इससे तो ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा निवेदन है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।